अज ना असी जिहड़े फार्मूले की गल दस रहे वह बिल्कुल ही पैसे जिदे विच ना मात्र लगते ने ते बहुत ही वधिया दवाई है। बस फर्क सिर्फ इन्ना कि तुसी ज़्यादा एक तो गर्मियां दे विच नहीं खानी, दूजा 7 दिनों तो ज़्यादा इहदा प्रयोग नहीं करना। कदे भी तुसी ये दवाई नू यूज़ करना है तां लोग की करते ने राजे महाराजा के फार्मूले का पढ़ लेंगे ने, पर राजे महाराजे जो मल युद्ध करते थे जी कसरत करते जेडे लड़ाइया लड़ते सी उन्हीं देखते दे। असल च अपने की कहते हैं भी यह फार्मूला बन गया यदा चमचा ले लो तुम इदा बन जाओगे, ये बिल्कुल ही गलत है। तुसी सिर्फ बिना एक्सरसाइज तो बिना कसरत करे आपदे शरीर नूं भस्मा या कोई दवाइयां जिहड़ियां कि बहुत ज़्यादा तेज हुंदियां ने अगर इदां ही शरीर के अंदर लैके जाऊंगे तो उन्होंने कोई ज़्यादा असर नहीं करना, जां तां पेशाब राही निकल जाणगियां जां बॉडी ते इफेक्ट कर देणगियां। कई किवें मैं कहा कि कई ब्याह इस करके टुट जाते हैं क्योंकि ऐसियां दिक्कतां दा उन्होंने सामना करना पैंदा। कई की होंदा कि कड़ियां अपनी अंग्रेजी दवाइयां ने कई वह दवाइया रेगूलर ही लैन लग जाते हैं भी वह दवाइया तो बिना उन्होंने मतलब किहड़ा हैगा कि उसते दवाई उन्होंने छड़ नहीं सकते दवाई वह उन्होंने कि दवाई है दवाई छड़ाउण दा तरीका की है कि कोई ऐसा नुकता कि जिवें आपां गल कर रहे सी किहड़ा नुकता दस रहे हो लोगों को किहड़े नुकते दे नाल उन्हां दा जिहड़ा शादीशुदा जीवन है बच जूगा अते जिन्हां दे ब्याह होने ने भी कईयों तो यही डर रहा कि यार मेरा ब्याह होना ब्याह टुटना जाए होने तो पहला यह उन्होंने डर वाला रहा तो की नुकता दस रहे हो कोई। हाँ जी सब तो पहला तो यह है भी घबराने की कोई लोड़ नहीं हैगी जो तुसी आपदे पार्टनर नू मिलोगे ये सब तो ज़्यादा गल थोड़े आपसी तालमेल की होंगी है ना कि यह दवाइया के उत्ते डिपेंड होने वाली गल है। रही दूजी गल कि तुसी पहला ही किसी बीमारी नू देख के डर जाऊँ जां तुहानू इदां लगदा ये बिल्कुल ही सारिया धारनावां ने जिहड़ियां गलत ने। कई इहो जिहे फार्मूले ने जिन्हां नू तुसी अजमा के बहुत ही वधिया जिंदगी जिउ सकदे हो। और दूजी गल योगा हो गया या एक्सरसाइजां हो गईयां जां कुछ सीटियां होंदियां ने जिहड़े तुसी डॉक्टर लवे लगा के आपस ही तालमेल करके ये चीज़ां तो निजात पा सकदे हो। एक डॉक्टर साहब अंग्रेजी दवाइयां ऐसियां चल रही ने कुछ जिवें किसी ने संबंध बनाने ने उस तो पहला दवाई ले ली है ना घंटा पहला अद्धा घंटा पहला कि कोई आयुर्वेद के फिर देसी तरीके भी कोई ऐसी दवाई बन सकती है जिहड़ियां अंग्रेजी दवाइयां लोग लैंदे ने। अज ना असी जिहड़े फार्मूले की गल दस रहे वह बिल्कुल ही पैसे जिदे विच ना मात्र लगते ने ते बहुत ही वधिया दवाई है। बस फर्क सिर्फ इन्ना कि तुसी ज़्यादा एक तो गर्मियां दे विच नहीं खानी, दूजा 7 दिनों तो ज़्यादा इहदा प्रयोग नहीं करना। कदे भी तुसी ये दवाई नू यूज़ करना है तां लगभग 1 घंटा पहला 1 लसन की कली छिल लैनी है। लसन की कली कि आम आप हाँ जी आम लसन नू छिल के उन्हूं बिल्कुल ही बरीक पीस के उहदे विच अद्धा चमचा शहद दा पा के गर्म दुध नाल लै लेना है 1 घंटा पहला। अच्छा जी यह फार्मूला तुहानू इन्नी ज़्यादा ताकत दे दिंदा है कि तुसी इहनू वरत के हैरान हो जाओगे। ਕਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੰਟੀ ਆ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਵਰਗਾ ਹੋਜੂ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਬਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲਸਣ ਔਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 1 ਚਮਚੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀਰੇ ਆਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗਰਮੀ ਆ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੀ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ BP ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਵੇ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਨਿਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਘਰੇਲੂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।